यहाँ से हम क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले चीज़ें हमको पढ़नी है क्या, फोटोशॉप। फोटोशॉप में हमने यहाँ से जाएंगे और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, फोटोशॉप ऑन हो जाएगा। जैसे मेरे यहाँ पे फोटोशॉप ऑन हो गया और उसके बाद अब ये ऑन हो रहा है। देखिए यहाँ पे हमने फोटोशॉप ऑन कर लिया। चलिए अब मान लीजिए कि इसमें हमको कोई चीज़ फोटो वगैरह लाना है तो हम कैसे लाएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे गए, यहाँ पे इसको ओके कर देंगे, ओके कर दिया। यहाँ पे डबल भी क्लिक करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, आपको इस तरह से अब जहाँ भी फोटो रखे हैं जिस लोकेशन पे उस लोकेशन पे जाएंगे और यहाँ से हम फोटो ले लेंगे। तो आप ये आपको याद होनी चाहिए कि इस फाइल में आप फोटो रखे हैं, पिक्चर में रखे हैं या, तो इस सिस्टम में ही नहीं फोटो है। तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पे जाएंगे और नेट मोबाइल का खोल लेंगे और मोबाइल का नेट खोले यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे, जो भी इसका पासवर्ड होंगे डाल लेंगे, 6 7 8 9 इंटर कर देंगे और यहाँ से ये कनेक्ट करेंगे तो मेरा कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे गूगल आएगा, यहाँ पे क्रोम खोलेंगे। अब जो चीज़ का आपको मान ली कि यहाँ से फ़ोटो लेना है, जैसे यहाँ पे लिख देंगे फोटो गर्ल्स बॉयज जो भी आपको लेना है गर्ल्स डाल दीजिए। देखिए ये कीबोर्ड की प्रॉब्लम है तो ये क्या है, फंक्शन की के साथ इसमें दबना पड़ता है आपको नंबर के। तो चलो अब ये काम करेंगे, नंबर के यहाँ पे हमने दाब दिया, यहाँ पे लिख देंगे फोटो। अगर आपको गर्ल्स का फोटो लेना है तो यहाँ पे गर्ल्स डाल दीजिए और इंटर मार दीजिए। जैसे इंटर मारेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो आ जाएंगे, जैसे ये आ गए तो इस पे ही आप क्लिक कर दीजिए। तो इसमें से जो भी अगर आपको फ़ोटो आपको लेना है डाउनलोड करना तो आप इस पे क्लिक करिए। जैसे ये चाहिए फ़ोटो तो इस पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ आके यहाँ पे सेव एज दिया है सेव एज कर दीजिए और यहाँ से डाउन कर दीजिए। और उसी तरह से बहुत सारे फ़ोटो हैं, आप जो भी फ़ोटो लेना चाहते हैं वो आप उस फोटो पे क्लिक कीजिए। यहाँ भी गए, फोटो चाहिए राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट बटन, फिर इस पे सेव पे क्लिक करेंगे। ये फोटो चाहिए राइट क्लिक, यहाँ पे सेव एज, लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे ओके। राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, सेव। तो ये आप देख लिए फोटो कैसे हम सेव करते हैं। चलिए इतना ही फोटो डाल देते हैं और इतने के बाद एक सेकंड ये आ गया GIF। तो ये GIF में नहीं करना है हमको, ऑल फाइल में कर देनी है, यहाँ से ओके कर देंगे। अब इसमें फोटोशॉप में क्या चाहिए, थोड़ा सा दाग धब्बे वाला फोटो चाहिए, फोटो गर्ल्स दाग।
यहाँ पे गए, चलिए इतना ही पे देखते हैं, वो फोटो मेरे पास है। चलिए अब यहाँ पे जाएंगे, फोटोशॉप में हम आ गए, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं ताकि आपको दिखेगा। चलिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे माउस का, डबल क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक, तो इस तरह से आएंगे, या फिर आप इसको ओपन के माध्यम, इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे, फाइल में जाएंगे, ओपन के माध्यम से आप पिक्चर ले सकते हैं। तो हमने डाउनलोड में किए हैं, तो डाउनलोड में गया होगा, जिसमें आप करेंगे उसमें वो आपको चला जाता है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, डाउनलोड में आ चुका है, यहाँ पे कर देंगे फ़ोटो, जो भी फ़ोटो हमको लेना हो यहाँ से हम उस फोटो को ले सकते हैं। जैसे मान ली एक फ़ोटो ये ले लेते हैं और एक फ़ोटो और ले लेते हैं, फोटो ले लिए, अभी सबको डुप्लीकेट लेयर ले लेते हैं बाबू, डुप्लीकेट लेयर, ओके, इसका भी डुप्लीकेट लेयर, ओके, ओरिजिनल को कट कर देते हैं। चलिए चलिए ये फोटो हमने ले लिया। अब जैसे ही यहाँ पे हमने गया, चलिए दो ठो ले लिए, अब यहाँ पे हम जाएंगे न्यू करेंगे, यहाँ से न्यू करने के बाद इसमें आएगा कितना बाई कितना कौन सा फ़ोटो लेना है, जो भी आपको लेना है इसमें आप चूज कर लेंगे। उस चूज करने के बाद यहाँ से हम कर देंगे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे, इसका भी डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे, ओके कर देंगे, और इसका लेयर थोड़ा सा बना लेते थे, ये जो होते हैं ना क्या इसको बोलते हैं, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर हम कर लेते हैं, और यहाँ पे जाएंगे न्यू फिल लेयर में, और यहाँ पे दिया हुआ इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, और यहाँ से जो भी दिया गया है, यहाँ से जो भी कलर आपको लेना है, मुझे ये कलर अच्छा लगा तो हम ये ले लिए, आपको जितने भी कलर आपको चाहिए, इसके अलावा भी चाहिए तो आपको यहाँ पे भी बहुत सारे हैं, जो भी कलर करेंगे इसमें आपको आता रहेगा, आ रहा ना, तो जो भी कलर करना है आपको यहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए कैसे गए, लेयर पे जाएंगे, यहाँ पे दिया गया है फिर न्यू फिल लेयर, इसमें ग्रेडेंट पे देंगे, यहाँ पे ओके करेंगे और इसमें आ जाएंगे, और यहाँ से हमने जो भी रखना है आप यहाँ से इसमें कैटेक्स, ये सारे चीज़ें हैं, स्मॉथ थंबनेल स्मॉल सबका चीज़ कलर यहाँ पे आ रहे हैं, ओके कर देते, से ओके कर देते। अब चलते इसमें करना क्या है हमको, यहाँ से इस पीक को कैसे हम इसमें क्रॉप करके हम सेटिंग करेंगे इसका। तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हम लोग फोटोशॉप पढ़ रहे हैं, और फोटोशॉप में जितना ही मेहनत करेंगे उतना ही मेरे लिए बेटर रहेगा, तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, और थोड़ा सा इसको हम जूम भी कर देते हैं आपको यहाँ से, ये जो फोटो आप देख रहे हैं इस फोटो में क्या है लिखा हुआ टेक्स्ट है, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा क्रॉप करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है हम यहाँ से सिलेक्शन ले लेंगे बाबू, और सिलेक्शन में ये सिलेक्शन हम ले लेते हैं, और यहाँ से जाएंगे देखिए यहाँ पे हमने कैसे क्लिक कर रहे हैं एक एक करके, आप जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे आपको भी करना है,
यहाँ पे जाएंगे और इस बाल को रखना है तो रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे गए हैं, जिस तरह इसमें बाल के कटिंग दी है ना उस तरह आपको क्या करना है, बाल की कटिंग को उसी तरह करना है सिलेक्शन। देख रहे हैं ना कितनी मेहनत है, तो एकदम आँख को एक जगह करके करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ से आ जाएंगे भाग के, फिर जैसे सिलेक्शन करना होगा आ गया। चलिए ये हमने सिलेक्शन कर लिए, और जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया तो देखो ये किस तरह हो गया। अब इसको मूव टूल से हम यहाँ से कर देंगे, तो ये मूव टूल्स इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे बाबू, मूव टूल। यहाँ पे जाएंगे, क्लिक कर दिए और इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते। अब इसको ले जाना इसमें खींच के, देखिए क्या हुआ इसका, इसके लायक ये पेज नहीं मिल पाया। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है पेज हमको बनाना होगा, नहीं तो इतना पे भी हम एडजस्ट करना चाहें तो एडजस्ट करना पड़े, तो पेज के लायक फ़ोटो के लायक पेज नहीं है। तो हम एक पेज क्लियर कर लेते हैं इसके हिसाब से। चलिए इसका कैसे प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, इसको आपको हम बता देते हैं। इस फोटो पे जाएंगे और यहाँ से टिक हटा देते हैं, इमेज साइज देखिए इसमें इमेज साइज कितना दिया हुआ है, इसमें आपको दिया है वेट 851 और 1064, और इसमें भी दिया 30x37। तो ये सारे चीज़ों के देखना पड़ता है। तो इसको कहते 80, इसको कहते 60, 62, 20 में लेकर आएंगे। हो गया 16:11 दिखा रहा है, 16 × 2 = 32, 33 कर दीजिए, 22 को 23 कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब इसका नापी से हो गया होगा, हाइट वेट 35, गाड़ी 22, सुखा 28,
इसका साइज चले ये पेज हो गया। इस पेज पे देखिए हम काम करते हैं और यहाँ से हम कैसे लेंगे न्यू पेज, तो न्यू पेज हम ऐसे लेंगे। देखिए दोनों पेज यहाँ से हमने गया और इसे हम डी सिलेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे राइट आके ऑटोमेटिक हो गया। और इसका चाहे तो हम यहाँ से इमेज साइज भी देख सकते हैं, 30x37 है तो 30x37 है तो 30x37 किस में है ये भी देखना है, सीएम में है तो सीएम में भी हमको लेना होगा 30x37। तो यहाँ पे चल जाएंगे, यहाँ सीएम है 30x37 तो 30 और 37 तो यहाँ कर देंगे बाबू 30 के जगह पे 62 और यहाँ कर देंगे 37 के जगह पे 80 और इसको कर देंगे ओके। तो अभी इसमें से जो भी इसके आगे यहाँ पे सिलेक्शन और इसे मूव टूल से उठाकर देख लेते हैं इसमें एडजस्ट हो रहा है कि नहीं। हो गया। अब देखें जो हमने यहाँ से जो साइज, देखिए सबसे बड़ी चीज है साइज मिला लेना। तो हमने यहाँ से साइज ले रहे हैं इमेज साइज तो 30x37 दिखा रहा है, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं तीस सैंतीस 851 और 851 1064 800 कौन तो इसको कर देते हैं 300 300 चलिए ऐसे में बनाते हैं। चले उसके बाद यहाँ इसको सीएम कर देते हैं, इसको भी हम सीएम कर देते हैं और जो इसमें हाँ वेट कितना दिया हुआ है और हाइट कितना दिया हुआ है इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ें हमको करना क्या है, इसमें यहाँ से आ जाएंगे और इसमें हम डाल देते हैं तीस, इसमें डाल दिया 25। अब इसका देख लेते हैं यहाँ से लाकर, चलिए इसी पे हम एडजस्ट करते हैं इसको 35 30x37 यहाँ पे दिया है सेंटीमीटर में है।
मिस का आराधना पे करेंगे 60 70 चलिए इसी पे करते हैं। लेकिन ये जो मेल क्यों नहीं रहा है, पहले डी सेलेक्ट पर जाए, इसका प्रॉपर्टी देखने दीजिए। इसमें हम आ जाएंगे यहाँ पे, देखो बाबू वहाँ से नहीं पकड़ा था, डाउनलोड में जाएंगे और डाउनलोड में जाने के बाद आप यहाँ से पिक्चर देख लेंगे, और जो भी पिक्चर होंगे चाहे ये पिक्चर हो चाहे वो पिक्चर हो, यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद डिटेल्स इसका देखेंगे, जो कि यहाँ पे डिटेल्स दिए हैं। अब यहाँ से डिटेल्स आपको पता चल जाएंगे कि ये क्या चीज़ में डिटेल्स दिए हैं, क्योंकि वहाँ से हम लोग इतना देर किए लेकिन पता नहीं चल रहा था। तो ये दिए गए हैं आपको वाई, यहाँ पर पिक्चर में दिया है 851 और 1064, तो 851 1064, तो इसको 900 से ले लेंगे, 1100 नौ से और 1100। यहाँ पे जाएंगे पिक्सल में, यहाँ पे पिक्सल इसको कर देते हैं 900, तो 9 दूना 1800 कर देते हैं 1800। यहाँ पिक्सल इसमें कर देंगे 11 दूना 2200। अब इसमें एक बार और देख लेते हैं, चलिए ये फ़ोटो क्यों कम हो जा रहा है, क्योंकि इसके बैकग्राउंड वाला हम नहीं ना ले रहे हैं, जो है कि इसी तरह हम सीधे ले रहे हैं। अगर यही फ़ोटो हम इसमें उठा कर डालें तो देखिए आ रहा है ना। तो अब इसी पे हम काम करने चलते हैं। देखिए एक पेज को सजाने में हमको इतना टाइम लगेगा। अब उसके बाद आएंगे इसमें लेयर में, और ये जो डुप्लीकेट दिए गए हैं यहाँ पे न्यू और ग्रेडेंट, इसको कलर कर लेते हैं। ओके ओके करने के बाद यहाँ पे कर देंगे और इसको ओके, और ये कलर हम सेम सजा लिए और इस फोटो को इसमें ला देंगे। अब इसको मुझे एडजस्ट करनी है। अब कैसे एडजस्ट करना है वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें जाके Ctrl+T करेंगे और यहाँ से हमने कर देंगे इतना बड़ा और इतना छोटा। फिर उसी तरह हमको पिक्चर रखना है इसको, तो इस पिक्चर को भी सेलेक्ट करेंगे पहले। अगर ये अच्छा नहीं है तो दूसरा पिक्चर भी ले सकते हैं आप। इसमें भी ज़्यादा लिखा उखा है, यही पिक्चर ले लेते हैं।
और इस पिक्चर को हम सिलेक्शन कर लेते हैं, डुप्लीकेट लेयर यहाँ से ले लेंगे। देखो बाबू कैसे हम सिलेक्शन करते हैं, देखो पिछले वीडियो में मैं सिलेक्शन नहीं बताए थे। देखो देखे आ गया, ये मिल गया। इसमें थोड़ी सी फेदर रख देते हैं वन, और यहाँ से उठाकर इसको लेकर चलाएंगे इसमें। हम देखिए इस फोटो को इंसर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो जाएंगे यहाँ पे इमेज, यहाँ पे दिया हुआ है टोटल फोटो ही थी हो जा रहा। चेंज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे फिट वर्टिकल हो गया, ओरिजेंटल हो गया। अब देखिए अब आया समझ में। कंट्रोल प्लस शेयर इसको कर दिए, कंट्रोल प्लस टी। अब आ जाएंगे यहाँ पे, राइट क्लिक कर देंगे, बट ये देखिए इस साइड आ गई। अब इसको यहाँ से हम एडजस्ट कर देंगे, देखिए कितना अच्छा आ गया। दोनों को एक साथ हमने अति अटैच किया और मैचिंग भी करा दी है, और बैकग्राउंड में थोड़ा सा भी ये नहीं रहा कि ये अलग है। तो आज के क्लास में हमने क्या किया, आपको कैसे सिलेक्शन करना है और कैसे उसके बैकग्राउंड में मैचिंग करना ये समझ जाए। तो फिर आप कल बताते हैं, डीटीपी में थोड़ी सी टाइम लगेगा, धीरे धीरे सीखना होगा, फिर आगे कोई मेन्यू हम बताएंगे। जब तक इसके लिए जय हिंद जय भारत।